हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट आज के इस वीडियो में हम बी एड सेकेंड ईयर का जो पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है वो शुरू करने जा रहे हैं बी एड सेकेंड ईयर में ये पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहता है और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ़ आपके बी एग्ज़ाम के लिए बल्कि वो आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी क्या है वो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है रूल गवर्न सिस्टम एंड द लैंग्वेज ये जो टॉपिक है आपके बी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है लेकिन इस टॉपिक को करते समय स्टूडेंट्स को मतलब परेशानी होती है उनके सामने प्रॉब्लम आती है उनको पता नहीं चल पाता कि इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है तो इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन है पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो रूल गवर्न सिस्टम एंड लैंग्वेज तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज आप सब जानते ही होंगे लैंग्वेज जैसे क्या होता है अ लैंग्वेज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस रेफर टू अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है जो कम्युनिकेशन के लिए जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करते हैं उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ साउंड सिम्बल्स एंड रूल्स फॉर कम्बाइनिंग देम टू कन्वे मीनिंग अब लैंग्वेज में क्या होता है साउंड्स होंगी कुछ सिम्बल्स होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कुछ डेफिनेट रूल्स होंगे जिसके हिसाब से हम उन साउंड और सिंबल्स को क्या है अरेंज करते हैं जिसके बाद ही हम कोई मीनिंग है या अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं और सामने वाला उस चीज़ को समझ पाता है तो ये होती है लैंग्वेज लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय ह्यूमन ह्यूमंस करेक्टराइज बाय द यूज़ ऑफ साउंड जेस्टर सिम्बल्स और रिटन सिम्बल्स टू कन्वे द मीनिंग एंड फैसिलिटेट इंट्रैक्शन ये वही बात लिखी हुई है लैंग्वेज को ही डिफाइन किया है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ऐसे लैंग्वेज को डिफ़ाइन करोगे इसके अलावा आप किसी भी क्रिटिक की कोई डेफिनेशन भी दे सकते हो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है उसमें हम डिफाइन करेंगे रूल गवर्न सिस्टम होता क्या है रूल गवर्न सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच आल एक्शंस और प्रोसेस आर गाइडेड बाय अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स और प्रिंसिपल्स रूल गवर्न सिस्टम क्या है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे सारे के सारे एक्शन क्या है वो कुछ प्री डिफाइंड रूल होंगे कुछ प्रिंसिपल होंगे उनके थ्रू ही हम उनको क्या है गाइड करेंगे उनके थ्रू ही हम उनको क्या है कंडक्ट कर पाएंगे अपनी मर्जी से हम उसमें क्या है कुछ भी नहीं कर सकते दीज रूल्स डिक्टेट हाउ द सिस्टम बिहेव वट इट कैन और कैन नॉट डू एंड वट द कॉन्सिक्वेंस आर फॉर सर्टेन एक्शंस यानी कि सब कुछ इन्हीं रूल्स के थ्रू ही होना है तो ये होता है रूल गवर्न सिस्टम अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक रूल गवर्न सिस्टम कैसे है इसने यहाँ पर बोला है लैंग्वेज इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ रूल गवर्न सिस्टम यानी कि लैंग्वेज क्या है एक प्राइम एग्जाम्पल है इसका द रूल्स ऑफ लैंग्वेज गवर्नस हाउ वर्ड्स फ्रेजिज आर यूज टू कन्वे द मीनिंग एंड दे इंक्लूड थिंग्स लाइक ग्रामर सेंटेक्स एंड सीमेंटिक्स अब देखो लैंग्वेज कैसे है एक रूल गवन सिस्टम कैसे है क्योंकि लैंग्वेज में क्या है बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं जो वर्ड और फ्रेजिज़ है उनको अरेंज करते हैं और उसके बाद ही हमारा जो मीनिंग है वो निकल पाता है हम हमारी मीनिंग को क्या है कन्वे कर पाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो रूल गवर्न सिस्टम है लैंग्वेज का जिसमें ग्रामर हो गया सेंटेक्स हो गया सीमेंटिक्स हो गया ये सारी चीज़ें आगे भी डिटेल में आएगी तो इस बिहाव पर हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है डेफिनेटली एक रूल गवर्न सिस्टम है जिसमें सब कुछ क्या है प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग होता है आगे देखो फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द रूल इज़ प्लेस द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ड इन डेक्लेटिव सेंटेंसेज अब आप सबको पता है कि जो डेक्लेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्व आती है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट आता है ये रूल होता है इसने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है द केट सेट ऑन द मेट यानी कि द केट सेट ऑन द मेट इसमें जो केट है वो है सब्जेक्ट सेट क्या है इसमें वर्व है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो वर्व से पहले आया है तो ये सारा का सारा क्या है अगर हम इसको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये पहले से जो प्री डिफाइंड जो हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कर पाएंगे तो ये आप एग्जाम्पल एड कर सकते हो इसके बाद आगे देखो सिमिलरली द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिक्टेट दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी मैच द नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ब की फॉर्म है वो क्या है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल आएगी अब इसका एग्जाम्पल देखो द केट सिट्स ऑन द मेट यहाँ पे केट सिट्स ऑन द मेट एक सिंगुलर है केट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आई सिंगुलर सिट्स आई नेक्स्ट सेंटेंस में देखो द केट सिट ऑन द मेट केट सब क्या होगी प्लूरल होगी तो वहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या है सिट्टा जो प्लूरल आई तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है इसमें क्या है पहले से प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं तो इसलिए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है एक रूल गवर्न सिस्टम है लैंग्वेज वुड बिकम मीनिंगलेस इफ देयर वर नो रूल्स अगर लैंग्वेज रूल गवर्न सिस्टम नहीं होगा ना तो वो मीनिंगलेस बन जाएगी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वर्ड को आगे पीछे कर कर अगर हम उसको बोल देंगे तो उसका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं निकलेगा द लेक ऑफ मीनिंग वुड कोज chaos एंड पीपल वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट और ऐसे में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वही पूरा का पूरा ठप हो जाएगा लोग क्या है एक दूसरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे अब देखो अकॉर्डिंग टू द हंटर सर्टिफाइड एजुकेटर लैंग्वेज इज़ रूल गवर्न बिहेवियर विच मीन्स एशेंशली दैट लैंग्वेज ओनली वर्क इफ़ वी फॉलो इट्स रूल्स लैंग्वेज एक रूल गवर्न सिस्टम है इसके पीछे एक जो मेन रीज़न है कि ना लैंग्वेज तभी सही से प्रॉपरली वर्क कर पाएगी अगर हम उसके जो ए, क्या है रूल्स है जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं तो अदरवाइज लैंग्वेज क्या है प्रॉपर्ली ऑथेंटिकली वर्क नहीं कर पाएगी और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एज अ रूल गवर्न सिस्टम इज़ डिस्क्राइब बाय फाइव पैरामीटर्स लैंग्वेज को अगर हम रूल गवर्न सिस्टम बोलते हैं तो उसके पीछे फाइव पैरामीटर्स है उसके बिहा पर हम बोलते हैं लैंग्वेज एक रूल गवर्न सिस्टम है ये पाँच पैरामीटर कौन कौन से हैं फोनोलॉजिक पैरामीटर मोरफोलॉजिक फिर आ गया सिंथेटिक एंड सीमेंटिक और लास्ट है प्रेगमेटिक ये पाँच के पाँच जो पैरामीटर्स है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है एक रूल गवर्न सिस्टम है यानी कि ये सारे के सारे जो लैंग्वेज के लिए रूल है वो बनाते हैं निर्धारित करते हैं अब हम इन्हीं पाँचों को क्या है डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फोनोलॉजी फ़ोनोलॉजी क्या होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ फोनीम्स फोनोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ फोनीम्स है अब फोनीम क्या होती है फोनीम क्या है स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेस्टिव यूनिट ऑफ साउंड यानी कि ये क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इसी की स्टडी को हम बोलते हैं फोनोलॉजी इट डील्स विद द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इन लैंग्वेज फोनोलॉजी में क्या होता है फोनोलॉजी में हम इस चीज़ को देखते हैं इस चीज़ से डील करते हैं कि जो साउंड्स हैं उनको हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर पाएं। आगे देखो अब फोनोलॉजी एग्जामिनस हाउ साउंड फंक्शन विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में साउंड कैसे वर्क करती है चाहे वो लैंग्वेज हिंदी है चाहे इंग्लिश है चाहे कोई और लैंग्वेज है इंक्लूडिंग द वेज इन विच साउंड कंट्रास्ट विद वन अनादर टू क्रिएट मीनिंगफुल्स यानी कि और जो क्या है साउंडस हैं फिर वो आपस में क्या है मिलकर एक मीनिंगफुल साउंड बनाए एक मीनिंगफुल फ़ोनीम बनाए हाउ दे आर कंबाइंड टू फॉम वर्ड्स एंड द रूल्स गवर्निंग दे आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड परनन्शिएशन इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट यानी कि फोनोलॉजी में हम ये देखते हैं जो डिफरेंट साउंडस हैं जो डिफरेंट फोनीम्स हैं वो आपस में कम्बाइन होकर कैसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं यानी कि जो वर्ड्स कैसे बनाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो फोनोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं इसके बाद आके देखो नेक्स्ट जो हमारा सिस्ट इसमें पैरामीटर था वो था मोरफोलॉजी मोरफोलॉजी क्या है ये एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की लेकिन इसमें होता क्या है मोरफोलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच वर्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड मोरफीम्स अब इसमें क्या होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वर्ड्स और उन वर्ड्स की जो स्मॉलर फॉर्म्स है जो मीनिंगफुल फॉर्म है उनको स्टडी करते हैं और जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं मोरफीम बोलते हैं इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर यानी कि मोरफोलॉजी में हम जो वर्ड्स हैं ना उनको कैसे हमने एक साथ लाना है इस चीज़ की स्टडी करते हैं इसके बाद आके देखो मरफीम जैसे मैंने बता दिया स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड यानि कि जो स्मालेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज सॉरी यानी कि लैंग्वेज में जो सबसे छोटी यूनिट है जिसका कोई मीनिंग निकलता है तो उसको हम बोलते हैं मोरफीम मुरफीम अब दो तरीके के होते हैं पहला था फ्री मरफीम फ्री मुरफीम क्या होता है देट कैन स्टैंड अलोन एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड फ्री मरफीम में क्या है कि वो उसका इंडिपेंडेंट अगर है तो भी उसका मीनिंग निकलता है इन अदर वर्ड्स इट कैन कैरी द मीनिंग ओन इट्स ओन विदाउट बीग अटैच टू द अदर मुरफीम्स इसका अकेले का मीनिंग होता है इसको दूसरे मुरफीम्स के साथ हमें क्या है अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसका एग्जाम्पल है जैसे हेट केट इसके बाद जो इसका सेकंड टाइप है वो है बाउंड मरफीम बाउंड मरफीम क्या है इसका जो इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं निकलता इसको अगर हमने दूसरे किसी मरफीम के साथ अटैच किया है तभी इसका मीनिंग वो निकल पाता जैसे S है जैसे एस है एस का अकेले का कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन अगर मैं सी ए टी केट के साथ ऐसा लगा दूँ तो वो केट्स यानी कि प्लूरल बन जाएगा तब उसका मीनिंग निकलता है तो इस तरीके के जो मरफीम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाउंड मरफीम इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स सिंटेक्स क्या होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद इन सेंटेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल कम्युनिकेशन अब इसमें क्या होता है सिंटेक्स में क्या होता है ये चीज़ इतना देखो आप इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड यानि कि जो वर्ड्स है उनका स्ट्रक्चर कैसे है उनको कैसे हमने ऑर्डर करना है और कैसे उनको अरेंज करना है ताकि जो सेंटेंस है वो क्या एक मीनिंगफुल फॉम बन पाए यानी कि जो सेंटेंस है उसका एक मीनिंग निकल पाए तो इस तरीके से जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिंटैक्स बोल सिंटैक्स कहते हैं इट डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न हाउ द वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म ग्रामेटिकली क्रेक्ट सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी कि इस चीज़ में क्या गवर्न होता है इससे जो सेंटेक्स है इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि वर्ड्स उनको हम कैसे कंबाइन करें ताकि ग्रामेटिकली क्रेक्ट सेंटेंस है वो बन पाए सिमेंटिक्स क्या होता है इट इज़ द्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज यानी कि जो मीनिंग है किसी भी लैंग्वेज में अगर हमने मीनिंग की स्टडी करनी है तो उसी को हम बोलते हैं सीमेंटिक्स सीमेंटिक इज़ क्रूशियल फॉर अंडरस्टेंडिंग हाउ लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग एंड हाउ कम्युनिकेशन इज अटी अचीवड थ्रू द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस यानी कि जो सीमेंटिक्स है उसमें मेनली तो हम क्या है जो मीनिंग है उसी को देखते हैं यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ मीनिंग है और कैसे जो कम्युनिकेशन है वो होता है और कैसे जो मीनिंगफुल जो हम एक्सप्रेशंस है वो क्या है मतलब रिएक्ट कर पाते हैं तो ये था सीमेंटिक्स इसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर है इसका जिसको हम प्रेगमेटिक्स बोलते हैं वो आ जाता है इसमें क्या होता है प्रेगमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड द वेज इन विच कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू मीनिंग इसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ की जा रही है एंड द वेज़ इन विच कॉन्टेक्सट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मीनिंग और जो कॉन्टेक्सट है वो मीनिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है सेंटेंसेज या उनका मीनिंग क्या है वो चेंज हो जाता है तो उस की चीज़ की जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेगमेटिक्स इट गोज़ बियड द लिटरल इंटरप्रेटेशन ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसिज यानी कि ये जो सेंटेंसेस का लिटरल मीनिंग होता है जो लिटरल उनकी इंटरप्रटेशन होती है उससे बियॉन्ड चला जाता है उससे आगे चला जाता है यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्सट जो वर्ड्स है उनका मीनिंग चेंज हो जाता है जो सेंटेंसिस है उनका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है तो यही सारा का सारा जो प्रेगमेटिक्स है उसमें आता है तो ये सारे के सारे पैरामीटर थे जो लैंग्वेज को क्या बनाते हैं अ रूल गवर्न सिस्टम तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी पैटर्न में लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें डेफिनेटली मिलेंगे